बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी खास डिश 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, मतंजन, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा और झटपट तैयार होने वाला है। तो बनाते हैं मतंजन। बतंजन के लिए जो सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये मैं तकरीबन सब आपको मकदार बताती कि मैं कितनी कितनी ले रही हूँ। तो ये एक मैंने बर्तन लिया, ये मैंने ड्राई फ्रूट लिया, गिरी मैंने पहले पर एक काट के पानी में भिगोई साथ, बाकी चीज़ें भीगी नहीं हुई, वैसे सिंपल है। तो ये इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अशरफियाँ हैं, एक मैंने ग्रीन ली है, आधी आधी क्या ली, और एक मैंने ग्रीन और एक रेड। ये है मेरे पास पाइन एप्पल, छोटे छोटे पीसेस भी मैंने काट लिए, ये भी इसमें जाएंगे। इसमें कुछ इसका शीरा है ना, जो इसका जूस होता है, वो उससे मैं निकाल के निकाल रही हूँ। बाद में ना ये जूस भी मैं चावलों में इस्तेमाल करूँगी। अभी फिलहाल ये मैं चीनी इसमें मिक्स कर रही हूँ। एक कप ये चीनी गई, चावल है मेरे पास 1 किलो से थोड़े से कम में, तो उसके लिए मैं 1 कप वो डाला, आधा कप ये, 1.5 कप चीनी डाल रही हूँ। आप 2 कप भी इसमें डाल सकते हो अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए। ये सारा मैंने मिक्स कर लेना है। ये मैंने इलायचियाँ ली हैं, 4 से 5 चीनी के साथ मैंने इन्हें पीस लिया, छिलके समेत ये भी इसमें। ये मैंने तमाम चीज़ें चीनी के साथ मिक्स कर ली। ये मैंने सारा एक जैसा करके, तो अब मैं चावल दिखाती। ये चावल हैं जो मैं बता रही थी, मैंने बॉईल करके छोड़ दिए। इससे मैंने पहले बॉईल किया हाफ डन, और फिर इसे पानी सारा इसका निकाल के छलनी में, उसके बाद मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल लगाया, और इसलिए ये अलग अलग नज़र आ रहे हैं। अक्सर जुड़ जाते हैं ना थोड़े बहुत, ये भी जुड़े होंगे लेकिन इतने भी जुड़ेंगे जिस तरह मैंने बताया ना, इस तरह आप कर लेना। और सिरका, जब मैंने चावल बॉईल कर रही थी ना, 2 टेबल स्पून फुल भर के सिरका भी मैंने पानी में डाला, उसके साथ बॉईल की, ये उससे भी चावल बहुत अच्छे से खिले खिले से लग रहते हैं। ये हो गया। अब मैंने एक पतीला लिया, उसे उसके नीचे चूल्हा मैंने जला दिया फुल आग की, ये पतीला भी तकरीबन गर्म ही हो चुका है, तो उसे मैं ऑयल थोड़ा बहुत लगा के, तो इसके लिए लगा के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा मतंजन बनेगा। बहुत सारे तरीके इसके बनाने के, मैं जिसमें मैंने ईदी समझा कि आप लोगों को मैं ईदी तरीके से बताऊँ कि कैसे मतंजन बनाएंगे, तो मैं उस तरीके से बता रही हूँ। चिकन भी इसमें जाएगा, चिकन भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी लेयर में ही मैंने डालना है। और 3 कलर भी मैंने लिए इसमें, एक ग्रीन, एक येलो और एक रेड। ये मैंने इसे ऑयल से सारा ग्रीस कर लिया साइडों से अच्छी तरह, ताकि चावल ना चिपके, जब लेयर लगेगी ना तो साइडें भी हमारी बच जाएगी। ये ऑयल है 1 कप है, तो इससे मैं थोड़ा सा, ये नजर आ रहा होगा काम में थोड़ा, इससे मैंने वो पतीले में भी लगाया। अब मैं इसमें चावल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप 1 किलो भी चावल ले सकते हैं, मैंने 1 किलो से कम लिए, आधा किलो से ज्यादा है। ये चीनी के साथ जो मैंने तमाम इसमें जो ड्राई फ्रूट और कुछ भी शर्तियाँ वगैरह रखी थी, ये मैं उसकी लेयर लगा रही हूँ, थोड़ा सा ही लूंगी। ये थोड़े से चावल, फिर एक लेयर, नीचे वाले जरा बड़ी ज्यादा लगा दिए लेयर, ऊपर वाली में थोड़ी थोड़ी कम। ये 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मैं ये बना रही हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोग ये ट्राई करें इस तरीके से। मैं मतंजन, तो ये चिकन मैं दिखा रही हूँ, ये तकरीबन आधा किलो का था चिकन, तो जब पीसेस, तो मैंने जब इसे पकाया है, नमक, हल्का सा नमक डाला है, 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के सिंपल, थोड़ा सा मैंने लहसुन अदरक थोड़ा सा डाला है, 1/2 टीस्पून तो डाल के, तो इसे बॉयल कर लिया। ये भी अच्छा सा हो चुका है, और छोटे छोटे इसके पीसेस हैं, तो ये भी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती जा रही हूँ, हर हर लेयर में ये डालता जाए। ये अब आखिरी लेयर है इसकी, ये चीनी जैसे मैंने साबर डाली ना, सब इसमें दम में बहुत अच्छी सी पिघल गई, कहाँ से नहीं परेशान होना कि ये चीनी कैसे पिघलेगी। शीरे से भी बना सकते हो, लेकिन ये भी एक तरीका अलग है, वो दूसरे और कई बहुत तरीके हैं, तो आप ये भी जरा देख लेना कैसे बनते हैं मेरे स्टाइल। ये चिकन गया, ये आधा कप दूध भी है मैंने, बलाई इसमें ज्यादा सारी बलाई भी है, दूध भी है ये इसमें।
से भी बहुत अच्छा सा इसका जायका आएगा, जैसे खोया इसमें इस्तेमाल किया गया। ये वो जूस पाइन एप्पल का, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ऑयल ये भी इसमें गया, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयल भी मैं घी डाल रही हूँ इसलिए कि ये मैं ज्यादातर यही ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ, नहीं तो ये चीजें ना ज्यादा इसी में इस्तेमाल होती है घी में। कोरमा हो गया, ये गुड़ वाले चावल या जरदा मतंजन ये सब चीजें। और अब इसमें बारी आ गई है इसमें कलर डालने की, तो कलर ना बड़े ध्यान से डालना है, ज्यादा नहीं डालना, ये ना हो कि हमारे चावल सारे मिक्स अप हो जाए, कुछ व्हाइट भी नजर आने चाहिए। एक जगह पे मैंने थोड़ा सा डाला, ये बड़ी जल्दी फैलता है। इधर मैंने येलो और ग्रीन डाल दिया, ये मैं इधर रेड डाल दिया। ये भी एक ही से एक जगह पे नहीं डालते, इस तरह मैं कर रही हूँ। ये येलो गया, बनाए तो मैंने ज्यादा था लेकिन देख के मैं हिसाब से डाल रही, कहीं ज्यादा ना व्हाइट नजर आने चाहिए चावल। अब ये दम के लिए चले जाएंगे, आज अभी तक फूल है, 15 मिनट पहले मैंने तवा गर्म किया हुआ था, तो अब ये इसे दम पे रख के तो तकरीबन टाइम में देखती हूँ कि कितने टाइम में इसकी भाप बनती है, मुझे भाप नजर आएगी इसकी तो फिर मैं इसका चूल्हा जो है ना आग हल्की कर दूंगी जैसे दम वाली होती है। फिलहाल अभी नहीं, जैसे ही दम मुझे इसमें धुआं सा भाप से निकलेगी साइडों से इस जगह से, तो मैं फिर कुछ देर इसे चलता रहेगा चूल्हा और उसके बाद फिर मैं दम वाली आग पर। माशाल्लाह से अच्छे से हो चुके हैं, ये पेड़ा डाल रही हूँ मैं, एक जो इसका ये ढक्कन है ना एक चले एक भर के, अच्छा सा इसमें ना अच्छा सा जायका आए और इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आए। आप जब मैं दम में चावल कर रही थी ना तब भी आप डाल सकते हो, मैंने अभी डाल दी, एक ही बात है। अब मैं इसे सारा चलाऊंगी चम्मच को और दिखाती हूँ कलर, वाइट का कलर ये रेड आ गया ना, मैंने डाला है ना कलर वो बिल्कुल सही है, व्हाइट भी तो आने चाहिए ना नजर, इसका फिर ये सारा एक ही कलर हो जाए। नीचे से भी मैं दिखा भी इसके चावल को इतने लगे नहीं, येलो आ गया, व्हाइट भी दरमियान में है। अब मैं नीचे से दिखा देंगे ये सारा, जिस तरह मैंने जिस तरीके से दम लगाया है ना आपने उस तरीके से लगाने तो बहुत ही सही रहेंगे चावल। अब ये मैं आप लोगों को टी शॉर्ट करके दिखाऊंगी कि कैसे लगे, बहुत ही मजे, मुझे तो बहुत ही वो अच्छी भी आ रही है और इतनी मजे की कि बस फौरन सबर नहीं हो रहा के खाएं, लेकिन ये पहले आप लोगों को दिखाना है, मैंने डिशॉर्ट करना है फिर दिखाना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर दें, लाइक तो बनता है फिर, और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल है उसको जरूर प्रेस करें, इससे नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियो जो मैं बना रही हूँ हर पिछले जो बैक में जाएं तो तब भी बहुत अच्छी है और मजीद और अच्छी बना रही, और आप लोगों की दुआएं चाहिए जो मुझे दुआएं देते हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।